जाहू बाजार में आए दिन लग रहे अघोषित बिजली के कटों से जाहू बासी परेशान हो गए हैं। व्यापारियों को पूरा दिन गर्मी में अपनी दुकानों में काम करना पड़ रहा है। लोगों में बिजली विभाग के प्रति गहरा रोष पनप रहा है। आपको बता दें कि जाहू वासियों ने अपनी भूमि सरकार को दान इस उम्मीद से दी थी कि जाहू में बिजली बोर्ड का सब स्टेशन होने पर लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन जाहू में बना 132 केवी सब स्टेशन लोगों के लिए केवल मात्र सफेद हाथी बनकर रह गया है। व्यापार मंडल जाहू के प्रधान सूरज सिंह ने बताया कि आए दिन बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं, जिससे कि दुकानदारों को अपना काम काज निपटाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बिजली विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाई जाए। जाहू बाजार में आए दिन अघोषित बिजली के कट से लोग व जाहू व्यापारी बहुत परेशान हैं। जबकि जाहू में 33 केवी का सब स्टेशन होने के बावजूद बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। व्यापार मंडल जाहू बिजली विभाग से मांग करता है कि इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी किया जाए। वहीं ग्राम पंचायत जाहू के प्रधान राजू ने बताया कि जाहू में आए दिन बिजली के कट लग रहे हैं, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जाहू वासियों द्वारा अपनी जमीन सरकार को 132 केवी सबस्टेशन बनाने के लिए दी थी। सबस्टेशन भी बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसका लाभ जाहू के बाशिंदों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बिजली विभाग से मांग की है कि जाहू की बिजली व्यवस्था को ठीक किया जाए। हमारी ग्राम जाहू में जो है आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या बिजली कट की है, और दिन में जो है कई बार बिजली कट लग गए हैं, जिससे जो है स्थानीय लोगों और स्थानीय व्यापारियों को जो है परेशान होना पड़ रहा है। और इसके समाधान के लिए जो है कुछ साल पहले जाहू के बाशिंदों ने जो है सरकार को 132/33 केवी का बिजली बोर्ड बनाने के लिए जो है सब सेंटर बनाने के लिए सरकार को जमीन जो है दान दी थी, परंतु सब स्टेशन से बन गया, परंतु उसके बावजूद भी जो है इसका फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिला, जिस कारण जो है या बिजली बोर्ड का सब डिवीजन जो जाहू में बना है वो लोगों के लिए जो सफेद हाथी साबित हो गया है। और इसका फायदा जो है अन्य पंचायतों को मिल रहा है, और जिस पंचायत के लोगों ने जमीन दान दी है उसके लिए इसका कोई फायदा नहीं है। आते यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस बिजली का बोर्ड है 132/33 केवी का, इससे जो है जाहू को भी लाभान्वित किया जा सके। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वो यहाँ पर जो है जाहू को जो है इस सब डिवीजन से जो है अतिशीघ्र जोड़ने की कृपा करे, ताकि जो जाहू के लोगों ने जो है सरकार को बेशकीमती जमीन जो है दान में दी है उसका कुछ लाभ लोगों को मिल सके।